हाय फ्रेंड्स, काफी बी टू बी एंड बी टू सी प्रोफेशनल्स मुझे पूछते हैं कि श्वेता, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, एसईओ, एसईएम, एसएमएम, इसमें से मेरे लिए कौन सा बेस्ट प्लेटफॉर्म रहेगा, हाउ टू गेट स्टार्टेड, और मुझे आरओआई मिलेगा या नहीं। तो आरओआई की बात करें तो अगर आप स्ट्रैटेजिकली कंसिस्टेंट मार्केटिंग करना चाहते हो तो ही आप मार्केटिंग शुरू करें, वरना आप आरओआई आपको नहीं मिल पाएगा और आपका पैसा वेस्ट हो जाएगा। सो बिफोर यू स्टार्ट एनी मार्केटिंग, थिंक ट्वाइस। अगर आपको कंसिस्टेंट मार्केटिंग स्ट्रैटेजिकली फॉलो करना है तो ही यू गेट स्टार्टेड विद डिजिटल मार्केटिंग। ओके, तो अब हम समझते हैं ये सारी क्वेरीज, व्हाट इज एसईओ, एसईएम। तो एसईओ एंड एसईएम इज ऑल अबाउट बीइंग ऑन फर्स्ट पेज ऑफ गूगल, क्योंकि आपका कस्टमर्स आपके प्रोडक्ट एंड सर्विस के लिए गूगल को पूछता है, सो यू शुड बी ऑन फर्स्ट पेज। तो जब हम गूगल को पूछते हैं, जैसे फ्लैट्स इन मुंबई, तो गूगल ने स्टार्टिंग में जो टॉप में ऑप्शंस बताया वो एडी पेड कैंपेन यानी एसईएम, और नीचे जो बाकी क्या है वो ऑर्गेनिक वे से फर्स्ट पेज पे खुद के दम पे आए हैं, उसे बोलते हैं एसईओ। तो एसईओ के लिए आपके पास मल्टीपल पेजेस वेबसाइट होना चाहिए और एसईएम के लिए आपके पास वन पेजर वेबसाइट होना चाहिए। तो अब हम समझते हैं एसएमएम, सोशल मीडिया मार्केटिंग। इट्स ऑल अबाउट फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, यूट्यूब, एंड इट्स ऑल अबाउट फॉलोवर्स, लाइक्स, सब्सक्राइबर्स एंड एवरीथिंग। इट इज़ एडवाइजेबल फॉर ऑनलाइन सेलिंग बिजनेस लाइक क्लोथ्स, कॉस्मेटिक, ज्वेलरी, फूड एक्सेट्रा। और काफ़ी कंपनीज सेल्फ ब्रांडिंग कर सकते हैं, कंपनी ब्रांडिंग कर सकते हैं, प्रोडक्ट एंड सर्विस का रिसर्च के लिए ये प्लेटफॉर्म पे मार्केटिंग कर सकते हैं। ओके, तो हमने ये तीनों चीज़ समझ ली। अभी इसमें से एडवाइजेबल क्या है, तो अगर आपका ऑब्जेक्टिव इज़ टू गेट रिलेवेंट लीड्स एंड क्लोज द डील, तो एसईएम इज़ इनफ। आप एसईओ एंड एसएमएम नहीं करोगे तो भी चलेगा, यू विल गेट आरओआई, क्योंकि कन्वर्जन रेट इज़ हायर कम्पेयर टू एनी अदर प्लेटफॉर्म, इसलिए मैं एसईएम एडवाइज़ करती हूँ। अभी कॉन्टेंट की बात करें तो कॉन्टेंट इज़ अ किंग। कोई भी प्लेटफॉर्म पे मार्केटिंग करो, अगर आपका कंटेंट स्ट्रांग है तो ही कस्टमर्स आपके पास क्वेरी लेके आएंगे। तो यू कैन क्लोज 80% मोर डील्स बाय शेयरिंग योर कंटेंट इन एनिमेटेड वीडियो स्टाइल। आप उनको एनिमेशन वीडियो के थ्रू एजुकेट कर सकते हो, जैसे मैं ये एनिमेटेड वीडियो से आपको एजुकेट कर रही हूँ। सो टिल नाउ वी हैव अंडरस्टूड एसईएम, एसईओ, एसएमएम, व्हाट काइंड ऑफ मार्केटिंग इज बेस्ट फॉर माय बिजनेस, ये पॉइंट हमने समझा है। कंटेंट इज अ किंग, ये भी हमने समझा है। अब हम समझेंगे हाउ टू गेट स्टार्टेड। तो पहले हम आपका प्रोडक्ट एंड सर्विस समझ के लेते हैं, फिर उसका रिसर्च करते हैं ऑन गूगल, फिर एज पर रिसर्च अगर आपको आरओआई मिल सकता है तो ही हम आपका प्रोजेक्ट हाथ में लेते हैं, एंड देन वी स्टार्ट मेकिंग अ वेबसाइट। हम आपका मार्केटिंग करते हैं, इफेक्टिव कॉन्टेंट बिल्ड करते हैं, एनिमेटेड वीडियो स्टाइल कॉन्टेंट डिलीवर करते हैं, विच यू कैन एजुकेट योर क्लाइंट्स टू कन्वर्ट देम इंटू पेड कस्टमर। ये हमारा यूएसपी है, नो कंपनी इन द वर्ल्ड इज गिविंग सपोर्ट टिल दिस एंड। So you can sell more properties, services, courses, policies, vehicles, loans, tour packages. So आपको क्या करना है, आपको सिर्फ goal set करना है, and then we will make plan for you, we will work for you, we stick to your plan and we help you to reach your goal. अगर आपको कुछ भी query है तो आप मेरे number पर call कर सकते हो, और मेरे website पर जाके you can see more about digital marketing, और आपको maximum benefit कैसे मिल सकता है minimum investment में। Thank you very much, your digital marketing partner Shweta Shah.